हाँ जी बेटे वेलकम बैक। हम लोग पढ़ेंगे अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, अकाउंटिंग फॉर लीजेस। जनकपुरी ईस्ट बेटे सैस चल रहा है। सिर्फ आपको सैप को SAP ये आपको नहीं पता, ये आपके कोऑर्डिनेटर्स को पता है, सैप रीलॉगिन करना है। नागपुर जी सैप रीलॉगिन करना है आपने। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सब गुड मॉर्निंग बोलना शुरू हो गए हैं। शुरू करूं? इसका नाम तो लीजेज है। फिर आप कहीं कहें कि नाम तो अलग लिखा है जी किताब में, तो लीजेस पट्टा। पट्टा मैं आपसे कह रहा हूं, लीजेस का मतलब है पट्टा। और साहब जब आप बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं तो आपको वो चीजें कई प्रकार से मिल सकती हैं। आप नगद खरीद सकते हैं, आप उधार खरीद सकते हैं, आप किस्तों पे खरीद सकते हैं, आप पट्टे पर खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि S19 माने तो पट्टा, नहीं बीकानेर कह रहे हैं दुपट्टा, नालायक बीकानेर, गलत कह रहे हैं आप। पहले तो लिखें दिस एस इज मैंडेटरी। इन नेचर एंड इज एप्लीकेबल। टू ऑल एंटिटीज, ये सभी पर अप्लाई करता है। नंबर दो, लीज मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज वेयर वन पार्टी ट्रांसफर टू अदर पार्टी राइट्स टू यूज एसेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड अगेंस्ट कंसिडरेशन। लीजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, फाइनेंशियल लीज। नंबर टू, ऑपरेटिंग लीज। उन्हें बोलो अभी संगरूर को पता नहीं चल रहा क्लास के बारे में,
री लॉग इन नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा। फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज मीन्स फाइनेंशियल लीज मीन्स लीज वेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद राइट्स टू यूज। ऑपरेटिंग लीज मीन्स लीज अदर देन फाइनेंशियल लीज। राइट टू यूज एसेट कंसिडरेशन, ये है ऑपरेटिंग लीज। लेजी और लेजर, राइट टू यूज, रिस्क एंड रिवॉर्ड। कंसिडरेशन, फाइनेंशियल लीज। देखना यह है कि पहले कौन सा बच्चा लिखता है। जोधपुर अभी बताते हैं बेटे उनके बारे में भी। बेटे मैं थोड़ा सा, आप दिखाओ ना कुर्सी में, कुर्सी दिखानी है। मैं बेटे इस कुर्सी पर बैठा हूं, ये कुर्सी मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इस पर बैठा हूं। नेकपाल इधर आओ। और नेकपाल मुझसे क्या कह रहा है? कह रहा है इस कुर्सी पर मुझे बैठना है, मुझे बैठना है। थोड़ा जूम आउट करो ना, तुम देख ही नहीं रहे। नेकपाल कह रहा है मुझे इस कुर्सी पर बैठना है, मुझे इस कुर्सी पर बैठना है। तो बताओ भाई, ये कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? ये कुर्सी पर बैठ सकता है, नंबर वन। आप ये कुर्सी खरीद लोगे तो बैठ सकते हो, बोलो ना। हाँ, कुर्सी खरीद लोगे तो बैठ सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप कुर्सी नहीं खरीदते हैं नगद और उधार, और फिर भी बैठना चाहें, तो बिना खरीदे कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं? किराया देकर, किराए पे कुर्सी ले लेंगे। तो मैं लेकिन इन्हें टाइम बताऊंगा फिर, क्योंकि किराए की बात होगी तो टाइम बताऊंगा कि इतने घंटे के लिए आप कुर्सी पर बैठ सकते हो। अब आपने मुझे किराया दिया, फटाफट से हाथ पर किराया रख दो। मैंने किराया लिया, मैंने इन्हें कहा बैठिए बैठिए, मैं इन्हें यहां बिठा दिया। तो जानते हो ये कुर्सी आपने किराए पर ली है बैठने के लिए, ये कुर्सी आपने पट्टे पे ली है, इसे बोलते हैं पट्टे पे ली है। इसका मतलब आपने कुर्सी पट्टे पे ली है। मेरी बात समझ में आ रही है? पट्टे का मतलब क्या होता है? कितनी सरल सी बात है। क्या सभी चीजें जो हम किराए पर लेते हैं वो सभी पट्टे के ऊपर होती है? भाई ऐसा है, लैंड को छोड़ दो, लैंड के पट्टे की बात मैं नहीं करना चाहता। लेकिन अदरवाइज आपको मैं बता रहा हूं, जो भी आपको पता है बच्चों, आपको पता है हमारे पास यहां लोग आते हैं
कि सर हमें स्टूडियो एक घंटे के लिए किराए पर चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग करनी है, उनका रोज का काम नहीं है लेकिन रिकॉर्डिंग करनी है। इस स्टूडियो के अंदर ना पूरी चीजें लगी हैं, साउंड प्रूफिंग हो रखी है, सामने टेलीविजन और सब चीजें हैं, जैसे स्टूडियो होता है न्यूज रीडर का, जैसे स्टूडियो होता है बिल्कुल वैसे ही है। तो ऐसा ऐसा स्टूडियो में किसी को अगर रिकॉर्डिंग करानी होती तो आते हैं, कहते हैं जी हमें जरा स्टूडियो चाहिए, तो हम कहते हैं ठीक है भाई, पैसे लगेंगे उसके लिए। वो ये नहीं कहते खरीदना है। ध्यान देना साहब, एक आपके दिमाग में घरों के किराए की बात चल रही है, घरों के किराए में ये चीजें नहीं होती हैं। घरों के किराए जो होते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। घरों के किराए के अंदर आप घर किराए पर देते हैं, कह सकते हो वही पट्टा है, ऐसा कह सकते हो कि वो पट्टा है। लेकिन साहब देखें, मेरे साथ साथ जो स्टूडियो है पटियाला, वो सिंह साहब बैठे हैं जो स्ट्राइप वाली जिन्होंने पहन रखी है टी शर्ट, उनके पीछे जो दो तीन बच्चियां बैठी हैं वो नालायक, जरा उनसे बोल लो हिलना डुलना बंद कर दें और सीधी बैठे रहे। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास जो बेसिक पट्टी का कॉन्सेप्ट है, ये पट्टियों की बात चल रही है कि हमारे पास हम किस तरह से किसी भी चीज को पट्टे पर दे सकते हैं। अब मेरे पास कोई स्टूडियो दो घंटे का किराया पर लेने के लिए आता है तो आप ये थोड़ा ना कहना शुरू कर दोगे कि नहीं नहीं भाई हमने उसे महीने भर के लिए किराया पर दे। घरों में महीने भर का कॉन्सेप्ट चलता है, क्यों भाई? लेकिन स्टूडियो को एक घंटे के लिए किराया पर ले रहा है, कोई दो घंटे के लिए किराया पर ले रहा है। अब देखो ना, नेकपाल मेरे से कुर्सी किराया पर ले रहा था 10 मिनट के लिए, तो ये पट्टा था। तो पट्टे के तो बड़े सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आप घर जाकर जरूर सोचते जाएंगे कि आज पट्टे की चीजें देखनी है। पट्टा कोई दूर की दूर चांद तारों की बात नहीं है, कहीं आप दूर चांद तारों के पार चले जाओ कि पता नहीं ये क्या अजीब सा कॉन्सेप्ट है, ये आपके जीवन में घुसा हुआ है। आप में से कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है? हाँ सर रहते हैं। जब हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल खरीद लिया क्या? वो बताओ, क्या हॉस्टल खरीद लिया आपने? नहीं। क्या हॉस्टल आपने किराया पर ले लिया? हाँ, तो वो पट्टे पर ले रखा आपने, दैट इज ऑन लीज, आपने लीज पर लिया हुआ है। मेरी बात समझ में आती है? अच्छा, हम बहुत सारी चीजें लीज पर ले सकते हैं, किराया पर ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। मैं तो कल परसों कहीं पढ़ रहा था कि एक कंपनी है बैग की, गुच्छी, वो बैग बनाती है, बड़ी विदेश में प्रसिद्ध कंपनी है, वो कंपनी बैग किराए पर देती है। बाप रे बाप, हैं? बैग ही किराए पर देती है? हाँ, वो कहती है मुझसे दो घंटे। अब क्या है कि वो खबर मैंने तो फटाफट अखबार में पलट डाली, मैंने कहा मेरी पत्नी ने पढ़ डाली तो और समस्या हो जाएगी। वो जब भी कहीं बाहर जाना है वो फोन करके बैग किराए पर मंगवा लिया करेगी, तो झंझट हो जाएगा। मैंने कहा छोड़ो, नहीं खरीदने की क्षमता नहीं है ना बेटे, अगर खरीदने की क्षमता होती तो दिक्कत ही नहीं थी। जिसको या ये स्टूडियो जिसको क्षमता होती तो बना लेता, दो घंटे के लिए क्या करना। वो कहता है चलो छोड़ो, किराए पर ही ले लेते हैं। तो आपने सोचना है बाजार में क्या क्या मिलते हैं। स्कूलों ने कंप्यूटर ले रखे हैं लीज पर, समझ में आ गई बात? बोलो ना हाँ। स्कूलों ने कंप्यूटर ले लिए पट्टे पर, मतलब हाँ। हॉस्पिटल ने बिल्डिंग ले ली पट्टे पर, हाँ। बच्चों ने हॉस्टल ले लिया पट्टे पर, हाँ। पत्नियों ने बैग ले लिए पट्टे पर, हाँ। मोबाइल फोन ले लिए पट्टे पर, हाँ। आप बाहर घूमने जा रहे हैं, टैक्सी आपने पट्टे पर ले ली, समझ में आ रही है? टैक्सी पट्टे पर ले ली। बसें चल रही हैं, जितनी बसों के मालिक अलग हैं और ठेकेदार अलग, वो जिसना ठेके पे चला रहा है बस वो पट्टे पर। इसका मतलब ये हो गया कि पट्टे के एग्जाम्पल तो साहब आपके इर्द गिर्द घूमे। अगर मैं इस कुर्सी से एक चक्कर लगा दूं तो आपको दिख जाए कि मुझे 10 एग्जाम्पल और दिख जाएंगे पट्टे वाले। जिस जगह पर आप बैठे हो, पटियाला, इलाहाबाद, कटक, जनकपुरी, जिस जगह पर बैठे हो उम्मीद है कि वो पट्टे की जगह है,
उठो और पूछो अपने कोऑर्डिनेटर से और बोलो ये जगह पट्टे पर ली है आपने, लीज पर ली है, पता करो जाकर अभी और जानो और अपने अज्ञान को बढ़ाओ। अगर वो खरीद रखी होगी तो फिर पट्टा नहीं होगा, और अगर खरीदी नहीं होगी तो पक्का पक्का पट्टा ही होगा। बात समझ में आती है? सर रेंट और पट्टे में फिर क्या अंतर है? भाई घरों का किराया अलग कर दो, जिसमें भी आप ऐसे रेडी टू यूज नहीं लेते वो पट्टा नहीं है, वो रेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने एक घर किसी व्यक्ति को दिया, ये राम का घर है, सारा फर्नीचर लगा हुआ है, सब पानी वानी ये लीजिए, पानी के यहां पाइप भी आ रहा है, बिजली की तारे भी आ रही हैं, बिजली का तार अंदर जा रहा है घर के, ठीक है ना, फर्नीचर भी लगा हुआ है, सारा फर्नीचर भी लगा हुआ है। राम ये पूरी तरह से तैयार घर मोहन को किराया पर देता है, ध्यान रखना घर पूरी तरह तैयार है, तो इसे हम बोलेंगे लीज। लीज में हमेशा वो हर चीज तैयार होती है, लेकिन जो आप घरों के अंदर बोलते हैं किराए पर घर लिया, उसमें कुछ कमियां होती है, वो विदाउट फर्नीचर होता है, उसमें बिजली की तार भी कनेक्शन नहीं होता, उसमें पानी का भी कनेक्शन नहीं होता, उसमें सीवर का भी कनेक्शन नहीं होता, तो हम बोलते हैं घर किराए पर लिया है। तो रेंट वाली जो चीज होती है वो एसेट रेडी फॉर यूज नहीं होता, लीज में जो एसेट होता है वो हमेशा रेडी टू यूज होता है। ये मेरी चर्चा से बाहर है, मेरी चर्चा में ये वाले हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई घर किसी को दिया लीज पर, तो मतलब पूरी तरह तैयार होगा, हमने घर दिया खाली खोला जिसके अंदर सारे काम कराने पड़ेंगे, उसे रेंट बोलेंगे लीज नहीं बोलेंगे। मैंने अपना मोबाइल फोन नेकपाल को दिया, अब मुझे फटाफट से बताओ क्या मोबाइल फोन जो था वो रेडी टू यूज था? हाँ, इसलिए मैंने वो नेकपाल को पट्टे पर दिया। बात सौ में आती है? अच्छा, अब देखें नेकपाल को मैं फिर से यहां बिठाने जा रहा हूं, नेकपाल कुर्सी लेने के लिए आ रहा है, फिर से नेकपाल मुझसे क्या कह रहा है, आ जाओ नेकपाल, रुको ऐसे कैसे बैठ जाओगे, मालिक मैं हूं, पहले मुझसे मांगो, बोलो साहब ये हमें किराए पर चाहिए, किराए पर चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसा है मैं तुम्हें फाइनेंशियल लीज पर दे सकता हूं, अब बोलो ये क्या होती है, बोलो ना, बोलो फाइनेंशियल लीज क्या होती है। वेरी गुड क्वेश्चन, फाइनेंशियल लीज क्या होती है कि इस कुर्सी पर बैठ जाओ कोई बात नहीं, अगर ये टूटी फूटी वैल्यू बढ़ गई अच्छी हुई तुम्हारा ही फायदा, नुकसान है मेरा नहीं है, मैं तुमसे किराया लेता रहूंगा और जब किराया लेना बंद कर दूंगा तो कुर्सी तुम्हारी हो जाएगी, टूटी हुई कुर्सी तो तुम्हारी, जुड़ी हुई कुर्सी तो तुम्हारी, तो क्या तुम इसको उठो, क्या तुम इसको गले लगाओगे, हम बोलोगे अच्छा ये तो मेरी कुर्सी हो गई, इसका ना इसको पकड़ लोगे। भाई सीधी सीधी बात है, जब मैं तुम्हें कहूंगा ये कुर्सी बाद में तुम्हारी हो जाएगी, ये कुर्सी किराए पर ले लो, बाद में तुम ही इसके मालिक हो, क्या तुम इसको बार बार रुमाल से साफ करोगे? बेटे आप टैक्सी लेकर जाते हैं घूमने के लिए, आप टैक्सी लेकर बाहर घूमने जाते हैं, आप टैक्सी ड्राइवर से क्या कहते हैं, मेरे को उतार के इसे खड्डे में गिर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उतार दे, लेकिन पहले आप कहते हो रोज आना इसके ऊपर डेंट पड़े, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल लीज पर ले ली तो आपका उससे प्रेम बढ़ जाएगा। आप बोलोगे लोग अगर मान लो डेंट मारने लगेंगे तो बोलोगे नहीं नहीं मेरे को मार लो लेकिन गाड़ी को नहीं, जानते हो ये मोह क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि आपसे कहा जाता है ये आपको बाद में मिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए मैं किसी को ये सामान फाइनेंशियल लीज पर देता हूं तो वो इसका मालिक बन जाएगा, मेरी बात समझ में आती है?
लक्ष्मी नगर, कह रहे हैं आप मत बैठना। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बीकानेर, मैंने कुर्सी को उठा लिया है बेटे, बस चलो खान सॉरी नेकपाल आइए मेरे साथ साथ। तो दो हो गई साहब, लेजर मतलब जो एसिड देता है, और ये एसिड लेजी मतलब एसिड लेता है। नेकपाल तुम कौन थे, लेजर के लेजी, लेजी तुम एसिड ले रहे थे ठीक है ना, और मैं दे रहा था तुमको, तो मैं कौन था, लेजर। हाँ आज खान नहीं आया है, खान ना अपनी पत्नी को कभी छोड़ने चला जाता है गांव, कभी लेने चला जाता है, अब वो दशहरे की छुट्टियों पर गया हुआ है। अच्छा तो लेजर जो है वो एसिड देता है और फिर ये एसिड लेता है। अगर मान लीजिए वो एसिड देता है और कहता है इस एसिड को यूज करो, तथा साथ में कहता है तुम्हारे को ही इस एसिड का फायदा है, तुम्हारे को ही नुकसान है, तो हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीज। बात सामने आती है। अच्छा और फिर दूसरी बात, अगर सिर्फ एसिड के यूज करने के अधिकार मिलते हैं, एसिड के साथ मोह नहीं मिलता, इसे कह सकते हो मोह। मैं एसिड भी लेता हूं और एसिड का मोह भी लेता हूं, तो फाइनेंशियल लीज है। और अगर मोह नहीं लेता हूं मैं, तो इन दैट केस ये ऑपरेटिंग लीज हो जाएगा। हाँ संगरूर कह रहे हैं इसको फाइनेंशियल लीज क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटे दिस इज इनडायरेक्टली परचेज ऑफ एसेट, ये आपका एक इनडायरेक्ट परचेज ऑफ एसेट है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ फाइनेंशियल लोन। आप समझ लीजिए एसेट को धीरे धीरे खरीद रहे हो, इसीलिए इसका नाम फाइनेंशियल लीज हो गया। और ये क्या था, ऑपरेटिंग, सिर्फ यूज करने की लीज थी इसके अंदर। लिखना शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 5, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज आर डिफरेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा क्या होगा ट्रीटमेंट, तो मैं लिख रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फाइनेंशियल लीज। तो लिखें, पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद चलेंगे। फॉलोइंग steps are required calculate value of machine acquired calculate। हां जी हावड़ा, फाइनेंशियल लीज और हायर परचेज एक ही बात है। लक्ष्मीनगर लीज विदाउट कंसिडरेशन नहीं हो सकती है। नहीं बेटे जबलपुर, हायर परचेज और लीज फाइनेंशियल लीज एक ही बात है, इनमें डिफरेंस ही नहीं है। नालायक बीकानेर कह रहे हैं क्या बच्चे माता पिता की फाइनेंशियल लीज होते हैं, क्या करें, मतलब बीकानेर तुम कह रहे हो क्या बच्चे किराए पर लिए जाते हैं, बच्चों का किराए से क्या लेना देना, मशीनें किराए पर ली जाती हैं, बच्चे भी किराए पर लिए जाते हैं क्या। जोधपुर अगर आपको वो फ्लैट बाद में मिल जाएगा आप ही का हो जाएगा तो फाइनेंशियल लीज है,
और अगर मान लीजिए फ्लैट आपका नहीं मिलेगा आपको, तो वो फाइनेंशियल लीज नहीं हो सकता, वो ऑपरेटिंग लीज होना चाहिए। अच्छा, जबलपुर कह रहे हैं फिल्म में तो लिए जाते हैं। ओहो, तो भाई फिल्मों में बच्चे किराए पर लिए जाते हैं, ये कौन सी बात हुई भला? कैसी कैसी बातें करते हो, बच्चे किराए पर लेना, कैसी बातें शोभा देती हैं आपको। हाँ जी, हाँ, नालायक हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मशीनरी अक्वायर्ड, कि मशीनरी अक्वायर्ड की वैल्यू क्या होगी, लिखेंगे इसके अंदर। लीज रेंटल्स एग्रीड एट प्रेजेंट वैल्यू प्लस, इसमें ऐड कर दिया जाएगा, रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम लेजी एट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मशीन अक्वायर्ड। वैल्यू ऑफ मशीन अक्वायर्ड लिखें एग्जाम्पल, लिखें एग्जाम्पल, ए लिमिटेड टुक ऑन फाइनेंशियल लीज वन मशीन हुज फेयर वैल्यू वॉज रुपीज 1 लाख एंड एग्रीड लीज रेंटल्स वर रुपीज 30,000 27,000 35,000 and 22,000. A Limited agreed to pay guaranteed scrap value of rupees 5,000 at the end of lease term. Discount rate is 10%. Discount rate is 10%. Expected residual value by lessor is rupees 7,000. Calculate value of machine. Zoom out करो जरा।
लेक टाउन और सतना चलो जी, लिखेंगे इसके अंदर। ललित को बुलाना, हाँ जी बेटे, फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। बेटे कॉस्टिंग की क्लास, CAFM की क्लास हमने लेट करवा दी है, सर को मैंने जाके भी रिक्वेस्ट करी है, तो आपकी क्लास जो CAFM की है आधा घंटा लेट स्टार्ट होगी। ठीक है रांची, आराम से मेरे क्लास में बैठे, आपको कहीं नहीं जाना। अभी सतना आधा घंटा लेट करी है, 10:30 होगी, पहले शायद 10 बजे थी, नाउ इट इज 10:30। ओके चलिए, वैल्यू ऑफ मशीन निकालनी है एंड फाइनेंस इनकम भी निकाल लेते हैं। एंड फाइनेंस इनकम, ये वैसे बेटे आप FM में पढ़ते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो साहब, मेरे AS ने कह रखा है कि वैल्यू ऑफ मशीन क्या होगी। कहता है वैल्यू ऑफ मशीन होगी एक मशीन से जितना किराया हमें देना पड़ सकता है उतने की मशीन होगी। एक सीधी सीधी बात बताओ, मैं नेकपाल को यहां फिर से लाता हूं। नेकपाल इधर आओ, नेकपाल जी आओ इधर बैठो, कॉमन सेंस लगाएंगे सब बच्चे और मुझे बताएंगे। नेकपाल आप भी सोच सकते हो, ये कुर्सी आपने मुझसे फाइनेंशियल लीज पर ली है, मतलब खरीद ली है, ठीक है ना, किराए पर है, बाद में आपकी हो जाएगी। ये कुर्सी कितने की होगी ये आप मुझे बताएंगे। मैं आपसे 5,000 रुपए ले रहा हूं एक बार, 5,000 ले रहा हूं दूसरी बार, 5,000 ले रहा हूं तीसरी बार, ये कुर्सी कितने की होगी फटाफट से बताओ। हाँ जी, अरे नहीं नहीं नेकपाल ठीक से बताओ, अगर आपने मुझे इस कुर्सी के 3 बार 5,000 रुपए दिए तो ये कुर्सी आपसे मैं पूछूं कितने की पड़ी आपको, तो कितने की बताओगे? 15,000 रुपए। वेरी वेरी गुड, यही कॉन्सेप्ट है। अब उठ जाओ, यही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि साहब हम जितने पैसे पे करते हैं वही हमारी मशीन की वैल्यू होती है। जैसे मैं आपको कहता हूं ये हमने मशीन यहां खरीदी, हमने इसकी पेमेंट कितने कितनी करनी है, हमने पेमेंट करनी है इस मशीन की 30,000 पहले साल बाद, 35,000 दूसरे साल के एंड में, 22,000 तीसरे साल, नहीं बीच में कम हो गया, 30 के बाद 27 के बाद 35, और फिर पे करनी है जी 22,000, और आखिरी में कोई स्क्रैप वैल्यू भी देनी है 5,000। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, अगर मान लीजिए नेकपाल इतने पैसे दे रहा है मशीन के लिए, तो व्हाट शुड बी दी वैल्यू ऑफ मशीन? वैल्यू ऑफ मशीन क्या होनी चाहिए? यही तो होनी चाहिए। लेकिन साहब हम तो आज ढूंढ रहे हैं वैल्यू ऑफ मशीन, नेकपाल ने पैसे थोड़े दिनों बाद देने हैं, तो
तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर ढूंढनी पड़ेगी तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, अगर मान लीजिए 10% का डिस्काउंट रेट है तो प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे जी हम। आइए मेरे साथ साथ एक साल बाद की डिस्काउंट रेट देखते हैं। डिस्काउंट रेट को हम पीवी ढूंढते हैं, कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो मेरे पास ये आ गई वैल्यू 0.909। इसका मतलब ये आ गया 0.909 फिर उसके बाद एक और बार एंटर कर दीजिए तो अगली वैल्यू आ गई 0.826 0.751, बस इज इक्वल टू दबाते जाना है 0.683। इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, या आप एफएम में सीखेंगे। तो साहब अगर मान लीजिए नेपाल ने इतने पैसे देने हैं, ये डिस्काउंट रेट है, तो जोड़कर क्या नहीं ढूंढ सकते हम लोग इसकी वैल्यू? ओके, तो वैसे फटाफट से बताना इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। सर इसकी वैल्यू आएगी 30,000 × 0.909 27,000, ये आएगा 30,000 × 0.909 ये आएगा 27,270। अगला आएगा 27,000 × 0.826 22,302। अगला आएगा 35,000 × 0.751 26,285। अगला आएगा हमारे पास 26,285 और अगला वैल्यू कितनी आएगी, 27,000 × 0.683 18,441 26,285 ये आ गई 94,298। ये है साहब हमारे पास वैल्यू ऑफ मशीन। सर सवाल में दे भी तो रखी थी वैल्यू ऑफ मशीन 1,00,000 रुपए, बेटे हमें जो चाहिए वो प्रेजेंट वैल्यू वाली मशीन की वैल्यू चाहिए और नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये कि हमारी दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीन। तो आइए इसका आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन। कैश फ्लोज 30,000, 27,000, 35,000 और 27,000। तो प्रेजेंट वैल्यू है 0.909 0.826 0.751 0.683, जिसका अमाउंट बन जाएगा 27,270 22,302 26,285 18,441 दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीन। ये फाइनेंस चार्ज लिखना चाहिए था मुझको, दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीन। कोई मुश्किल काम थोड़ा ना है हमारा। एएस कहता है जी वैल्यू ऑफ मशीन ये होनी चाहिए। सर तो फिर ये बताओ कि हम अपना ब्याज का अमाउंट कैसे निकालेंगे? बेटे वो आप लोगों ने हायर परचेज में पढ़ रखा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। शायद आपको याद भी आया हो, अगर मैंने एक मशीन ली 94,298 की, जिसकी पेमेंट्स करनी है हमने 30,000, 27,000, 35,000 और 27,000, ये हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो इंटरेस्ट बताना है। पहला इंटरेस्ट आ गया 10% के हिसाब से 9,430। तो 30,000 में अगर 9,430 का इंटरेस्ट है
तो 30,000 माइनस 9430 इज इक्वल टू 20570 माइनस 94298 73728। ब्याज का अमाउंट निकालना है बेटे, बचपन बीत गया, गली के बच्चे कंचे खेलते थे तब तुमको ब्याज निकालना सिखाया था, आज तुम्हें मैं क्या बताऊं। 7373, मुझे बताएं अगला इंटरेस्ट कितना होगा। 27,000 माइनस 7373 इज इक्वल टू 19627 माइनस 7378 54101। अगला ब्याज आएगा 5410 35,000 माइनस 5410 29590 24511। वैसे तो बेटे ब्याज 10% के हिसाब से आना चाहिए और ये टैली होना चाहिए, तो आखिरी वाले को हम टैली इस तरह करा लेते हैं कि बाकी ब्याज निकाल लेते हैं। ये लीजिए 2489, दिस इज योर इंटरेस्ट। सर हमें भी एक सवाल और दो, हमें एक सवाल और दो। अरे तुमको कितने सवाल दूं नालायको, लिखो। ये बेटे क्वेश्चन है मई 2011 आईपीसीसी ग्रुप टू, आईपीसीसी ग्रुप टू का ये मई का क्वेश्चन 6A है। तो थोड़ा यहां रेड पैच की वजह से दिक्कत है, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। मई 2011, वो कहता है जी मशीन की फेयर वैल्यू कितनी है, लीज का टर्म कितना है, और वो कहता है लीज रेंट कितने हैं, हर साल 3,00,000 रुपए, और उसने कहा है कि हमने गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी गारंटी दे रखी है, 22,000 की हमने गारंटी दे रखी है। हालांकि उसे लगता है, अब भाई उसे जो मर्जी लगे, मेरी बात सुनो, नेकपाल कहता है मैंने इतने पैसे देने हैं, अगले आदमी को जो मर्जी लगे। रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 15% और डिस्काउंट रेट है 0.869, 0.756, 0.657। कहता है जी बताओ वैल्यू ऑफ मशीन एंड फाइनेंस चार्जेस, 8 मार्क्स। निकल पेन चाहिए, नहीं वो नहीं, पतला वाला चाहिए, ये ले जाओ, ये ले जाओ। पानीपत बेटे नेकपाल जब अपने पास बात करेगा तो वो यही कहेगा ना कि मैंने कितने पैसे देने, दूसरे आदमी से हमें क्या लेना देना। तो मुझे बताएंगे इसके अंदर सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ मशीन, मेरे पास आंसर मेरठ से आ भी गया है, भाई लीज रेंटल लिख देते हैं, लीज रेंट कितने कितने हैं, 3,00,000, 3,00,000, 3,00,000। आखिरी में हमको 22,000 और भी पे करने हैं, तो 22,000 और भी लिख दो।
तो नेपाल ने इतने पैसे देने हैं ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री में, जिसकी डिस्काउंट रेट है 0.869, 0.756, 0.657. दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीन. बस 699054, 699054. धन्यवाद हावड़ा, धन्यवाद मेरठ. बरेली का आंसर गलत है. अब बरेली का भी आंसर ठीक हो गया है. ये उसे वापस कर देना, कहना नया है ये. हाँ जी, अब मुझे फाइनेंस चार्जेस निकाल कर दिखाने. कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस. तो अगर मान लीजिए बेटे मैंने लोन ले लिया 699054 का, जिसकी पेमेंट करनी है 3 लाख 3 लाख 3 लाख, तो क्या हम इसे ढूंढ सकते हैं? पहले का इंटरेस्ट 15% पर निकालिए, कितना आ गया 699054 इंटू 15% 104858 माइनस 3 लाख 195142 माइनस ये कर दिया 699054 503912 पर 15% 75587 माइनस 3,224,413 279499. आखिरी वाला ब्याज जो है वो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 279499. तो ब्याज निकाल लीजिए, कितना बचता है? माइनस 322,000 42. दिस इज योर इंटरेस्ट. पटियाला बेटे दो बातों का ध्यान रखेंगे. ये कुर्सी पर बैठने वाला कुर्सी की मशीन ढूंढ रहा है, उसे कितने पैसे देने हैं वो उसकी लायबिलिटी है. मेरे को कितने पैसे मिलने चाहिए थे वो बेकार की बात है. अगर मान लीजिए बेटे मैं दुकानदार से ये खरीदता हूं, मैं उसे 5,000 देता हूं, वो कहता है मुझे मिलने तो 6,000 चाहिए थे पर तुम तो 5 ही दे रहे हो और सौदा हो गया, तो 5 ही की बात हुई ना, 6 का हमारा उससे क्या है? वो तो उसकी एक्सपेक्टेशन है. एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी हो सकती है. लक्ष्मीनगर बेटे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इस पर 15% हायर परचेज में करते थे ना, वही है ये. इस पर हमने कर लिया इतना इंटरेस्ट, ये हायर परचेज का ही चैप्टर है. फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने कहा 3 लाख में से ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो इंस्टॉलमेंट कितने की रीपे कर दी, इतनी. फिर जो बैलेंस आया उस पे इंटरेस्ट 15%. सौ में आती बात. अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज भी लिखेंगे. आप लोगों ने यहां पर अभी लिखा था फर्स्ट पॉइंट वैल्यू ऑफ द मशीन अक्वायर्ड, ठीक है ना, ये लिखा था. अब आप सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड. कौन कौन सी हमें एंट्रीज डालनी होती हैं? इसमें एंट्री होगी हमारे पास, पहले तो एसेट लेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट्स. वैल्यू कितनी होगी वो हमने आपको निकालनी सिखा दी, कितनी वैल्यू पर लिखा जाएगा. टू लेजर, जिसे आप हायर परचेज वेंडर बोलते हैं, बीइंग मशीन टेकन ऑन लीज़.
फिर बेटे इंटरेस्ट लगने की एंट्री, ये बिल्कुल हायर परचेज वेंडर है, इंटरेस्ट की एंट्री है, फाइनेंस चार्जेस टू लेजर बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ये इंटरेस्ट लग गया। एफसी मतलब फाइनेंस चार्जेस, मतलब ये है इंटरेस्ट चार्जेस। आप फाइनेंस चार्जेस भी लिख सकते हो। अब ये बताओ पेमेंट जमा कराने की एंट्री क्या होगी, अगर मैं पेमेंट देता हूं तो एंट्री क्या होगी, लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग अमाउंट पेड। मशीन खरीदिए, ब्याज लगाइए, किस्तें दीजिए, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन टू मशीन, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। बेटे बिल्कुल सीधा सीधा स्टैंडर्ड है, अगर हायर परचेज पढ़ रखा है फिर तो आपको एंट्रियां भी दिख के याद आ गई होंगी। ये तो बिना कारण से ही स्टैंडर्ड बदनाम हो गया। ये डेप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस टू डेप्रिसिएशन बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ। लीजिए साहब, इसकी एंट्री में सिर्फ एक मशीन की वैल्यू दिक्कत की थी, बाकी सारा फाइनेंस चार्ज निकालना सिखा दिया। पेमेंट किस्त की करोगे, डेप्शन के बारे में सवाल में लिखा होगा तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अगर सवाल में डेप्शन के बारे में लिखा ही नहीं है तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। इंस्टीट्यूट भी पागल हुए चले जा रहा है, आठ आठ नंबर दे रहा है इन चीजों के, जिसके होने चाहिए दो दो तीन तीन नंबर। ठीक है सर, सर ये तो आपने बताया फाइनेंशियल लीज के अंदर। मैंने कहा हां सर, ये बताइए व्हाट विल हैपन फॉर ऑपरेटिंग लीज। मैंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन, ऑपरेटिंग लीज मतलब किराए की एंट्रियां, मुझे फटाफट से बताएंगे। सेवंथ पॉइंट, ऑपरेटिंग लीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑपरेटिंग लीज। बेटे जब कोई आदमी किराए पर कोई एसेट लेता है तो क्या करना है, जोधपुर बेटे किराए पर लेने पर एसेट तो लेजर को ही रिवर्ट होगा, उसके अंदर एंट्री तो तब आए अगर हमने एसेट दिया हो तो, हम तो देते ही नहीं ना उसको। जोधपुर सीधी बात है, अगर मैं नेकपाल को ये कुर्सी किराए पर दूंगा तो क्या मैं कुर्सी नेकपाल के अकाउंट में डालूंगा, नहीं। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल सिचुएशन, वेरी वेरी सिंपल। ऑपरेटिंग लीज में क्या एंट्री होगी, एंट्री फॉर रेंट पेड। खाली नेकपाल रेंट पे करेगा और हम उसको रिसीव कर लेंगे। भिलाई बेटे डेप्रिसिएशन सवाल में लिखी होगी तो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाइए, दैट्स इट। हाँ जी, रेंट पेड की एंट्री बताओ बेटे, अपने को तो पता नहीं चल रही रेंट पेड की एंट्री क्या होनी चाहिए। तो एंट्री क्या होगी, लीज रेंट या रेंट अकाउंट डेबिट्स टू बैंक बीइंग रेंट पेड। एक एंट्री और भी होगी, वो कौन सी एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ। इसमें एसेट रिवर्ट बैक होगा ही नहीं, क्योंकि जोधपुर बेटे
हमने जब किराए पर उसे दिया था तो हमने उसको अपना एसेट थोड़ा ना दे दिया था, सिर्फ यूज करने का अधिकार दिया था। जैसे मैं किसी को स्टूडियो किराए पर दूंगा तो मैं उससे किराया फिक्स कर लूंगा, तो जब किराया लूंगा तो किराया अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां रेंट अकाउंट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा कि उसको स्टूडियो दे डालो, स्टूडियो का वो यूज कर रहा है खाली, ठीक है जोधपुर। ये हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको इसके अंदर बताया कि इसमें क्या होना चाहिए। लिखे आगे पॉइंट नंबर 8, मेरठ बेटे ऐसा नहीं है कि इसे आप बेलमेंट कह सकें, क्योंकि इसका बेलमेंट से मेरे को कहीं पर कनेक्शन दिखता नहीं है, फिर भी लॉ वाले सर बताएंगे बेलमेंट के बारे में। अकाउंट्स में इसका कोई लेना देना नहीं, इट्स अ सिंपल केस ऑफ रेंट डिस्क्लोजर। रिक्वायरमेंट्स, तो हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए लिखें। नंबर 1, मशीन और लीज शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। एक तो मशीन और लीज को हम अलग से दिखाएंगे, मशीन ऑन लीज शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। एक हमको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बतानी पड़ती है, शुड बी डिस्क्लोज्ड। ये कुछ नहीं, ये हमारे पास टोटल फाइनेंस इनकम होती है जो हमने अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखी है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टोटल of all lease rentals में माइनस कर देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर मान लीजिए मैं सारे लीज रेंटल्स में से उसकी फेयर वैल्यू माइनस कर दूंगा तो उसकी अनअर्न फाइनेंस इनकम निकल आएगी। जैसे इस केस के अंदर आप जो सवाल कर रहे थे उसमें 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख 22 हजार में माइनस कर दो 7 लाख, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 9 लाख 22 हजार माइनस 7 लाख, ये टोटल ब्याज हो गया बेटे आपका 2,22,000। दिस इज योर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम विच शुड बी डिस्क्लोज्ड। और ये मजे की बात है, ये आपका ब्याज का अमाउंट जो होता है ये हमको सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है कि इसकी सिर्फ हमको वैल्यूएशन करके बतानी है। थर्ड पॉइंट, लीज रेंटल्स एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन फ्यूचर ईयर्स। शुड बी डिस्क्लोज। हां जी बेटे, आपको जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट दी है वो लिस्ट अच्छे से करनी है, उनमें छोड़ना कुछ नहीं है और वो सफिशियंट है। और जो लिस्ट दी है ना वो सारे क्लास में क्वेश्चन हुए पड़े हैं। पहले बेटे इसके अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब इसमें से प्रैक्टिकल पूछ लिया उन्होंने इस बार। बस तो जो लिस्ट दी है वो लिस्ट आपने अच्छे से करनी है। इसके अलावा कहां लिखूं, मिटाना पड़ेगा। बेटे रिवीजन कैसे करेंगे ये सुनो।
और टू रिवाइज। कायदे से आपको अपने पास डेली डिवोट करने चाहिए 13 to 14 hours ऑफ स्टडी इन टू स्लॉट्स। जैसे मैं जो पढ़ता था सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक सुबह पढ़ लो, बीच में 1 घंटा आप माइनस कर लो, नाश्ता करना है या थोड़ा सा आपने अखबार पढ़नी है, तो ये हमारे 7 आवर्स की स्टडी बनती है। 7 घंटे तो आप इसमें से ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करेंगे अपने पास तकरीबन 4 बजे से, और फिर आप पढ़ेंगे रात 10 बजे तक। दिस विल बी 6 आवर्स ऑफ स्टडी। और 10 बजे डिनर करके वॉकिंग करेंगे, और वॉकिंग करने के बाद सो जाएंगे, तभी सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। ये 2 स्लॉट्स चाहिए। इसमें इस स्लॉट में रखो अकाउंट्स प्लस 1 थ्योरी पेपर, कोई भी पेपर रख लो थ्योरी का, वैसे ही इसमें भी 1 प्रैक्टिकल रखो और 1 थ्योरी रखो। ये अकाउंट सिर्फ सुबह सुबह करने में ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपने 3 सवा 3 घंटे इसे पढ़ा, 3 सवा 3 घंटे इसे पढ़ा, वैसे ही आपने 3 घंटे इसे पढ़ा, 3 घंटे इसे पढ़ा। ये इस तरह से तैयारी होती है। अकाउंट्स की रिवीजन जब आप करेंगे तो अकाउंट्स की रिवीजन विल रिक्वायर, कितना समय आपसे वो मांगेगी रिवीजन, मानकर चलें तकरीबन 100 आवर्स ऑफ स्टडी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आप 7-7 घंटे डेली अकाउंट्स को देना शुरू कर दें तो 10-12 दिन बनते हैं। ये 100 आवर्स टोटल सफिशिएंट है अकाउंट्स के लिए, इतने आवर्स आपको डिवोट करने चाहिए। सवालों को खुद सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डू नॉट सॉल्व। सिर्फ कैसे करें उसे, ऑडिट टेक्निक से करें। ऑडिट टेक्निक क्या होती है, सवाल को रीड किया, रीड करके सॉल्व करना शुरू कर दो कॉपी के अंदर ही, मतलब क्वेश्चन में ही रीड करना है, कॉपी में उसको चेक करना है। सारे के सारे ऑल पॉइंट्स, जितने भी ऑल पॉइंट्स हैं इन क्लास ऑफ कॉपी, उन सबको भी आपने क्या करना है, गो थ्रू करना है अच्छे से। प्रयास ये करना है कि आपकी रिवीजन एटलीस्ट 3 टाइम्स हो जाए। अब 3 टाइम्स रिवीजन तभी हो सकती है अगर मान लीजिए आप आज से ही जुट जाएं। रिवीजन के लिए 3 टाइम तो होनी ही चाहिए। बाकी टेक केयर अपनी हेल्थ की, आपने पूरा ध्यान रखना है। जो हमने आज सुबह 6:30 से लेकर 9:30 तक क्लास ली, वो सैटरडे को प्ले होगी माने तो कल, और फिर उसके बाद जो हमने अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास लगाई, ये क्लास ट्यूसडे को प्ले होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जिन बच्चों की ये क्लास या ये क्लास मिस हो गई है, ये 2 से 5 में प्ले होगी, 2 बजे से 5 बजे तक प्ले होगी। यह आपने काम करना है। बाकी विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मुझे आप लोगों को पढ़ाकर बहुत ही अच्छा लगा। मेरे लिए फिर से आपको पढ़ाना एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस था। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में इन सब के बगैर ये सब चीजें संभव नहीं थी। ललित कहाँ पर है? हाँ, ललित को ही बुलाओ, मोहित को ही बुलाओ। मोहित ने भी बड़ी मदद करी है। मैं इन सब का तह दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा बैच पूरा हो पा रहा है। मोहित आप भी आओ आगे, ये हमारे मोहित जी हैं। ललित जी भी यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन वो कहीं घूमने गए हैं, शायद बाहर गए हैं। अब आप सबके अच्छे अच्छे नंबर आए, इन सबकी मंगल कामना मैं और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, और ललित जी भी आ गए हैं। ललित जी आगे आइए, ललित जी का भी पूरा रोल है, सभी स्टूडियो पूरी टीम इंचार्ज को इन्होंने मोटिवेट करके रखा है। हम सबकी तरफ से, ईटन की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेहनत करें, जीवन में अच्छी अच्छी तरक्की करें, ये सब मंगल कामनाओं के साथ अपना हम बैच समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।